मेरठ से लखनऊ जा रही राजरानी सुपरफास्ट ट्रेन रामपुर स्टेशन के पास हादसे की शिकार हो गई। इस घटना में 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना का एहसास होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी आला अधिकारी घटना की जानकारी होते ही घटना स्थल पर पहुंच गए और जायजा लिया। यहाँ पर 13 लोग एडमिट किए गए हैं और उसमें जो है उनकी जांचें सब करा ली गई हैं, एक्सरे और सीटी स्कैन। एक थोड़ा सस्पेक्ट था हेड इंजरी का, वो बाहर से सीटी स्कैन भी करा लिया हम लोगों ने। सबकी चोटें साधारण हैं, कोई हड्डी टूटी हुई नहीं है, सुपरफिशियल इंजरी है। 16 बताया जा रहा है? 16 नहीं, 3 लोग पट्टी का भर्ती किए गए। 13 भर्ती है, बाकी 3 लोग चले गए। 3 लोग ओपीडी में पट्टी करा के उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, वो पास पड़ोस के होंगे, उसमें चले, रोक तो नहीं सकते जबरदस्ती। देखा गया कम से कम 2 डिब्बे तो बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं, 8 डिब्बे पटरी से उतरे, तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी तो नहीं हुई है। कोई ऐसी कैजुअलिटी तो नहीं है कि जिसमें किसी की जान गई हो, मगर चोटें लगी हैं, जिसमें 12-13 लोग हैं। अब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ और हॉस्पिटल में सबसे हालचाल लिया है और जो भी इससे बेहतर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आया था कि सबकी जानकारी लेके हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और जो भी सहायता होगी शासन से कराई जाएगी।